नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए नेचर से एरोमा थेरेपी ब्यूटी सॉल्यूशन। ये गोल्ड ब्लीच है दोस्तों, फेयरनेस ब्लीच क्रीम। इसको आपको बढ़िया रिजल्ट पाने के लिए आपको महीने में दो बार यूज करना है, 15 दिन से ज़्यादा भी हो जाएगा या फिर महीने में एक बार भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी के बारे में बताता रहूँगा और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये गोल्ड ब्लीच की MRP 70 रुपये है और ये नेचर सेशंस की है। यहाँ पे आपको फेस पे अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है यहाँ पे सब दिया रखा है। तो दोस्तों जानते हैं अरोमा थेरेपी क्या है। तो दोस्तों अरोमा मिस होता है खुशबू, थेरेपी मिस होता है तरीका। तो अरोमा मतलब खुशबू का तरीका, तो इसमें खुशबू के तरीके से आपके फेस को काफ़ी फेयरनेस बनाएगा। तो दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है और बॉक्स को ओपन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें 35 ग्राम की क्रीम है और ये 8 ग्राम इसमें एक्टिवेटर है, एक इसके साथ स्पैचुला है। तो आपको इसको अप्लाई करना अगर जो है तो आप क्रीम को आधा ले लें या 10 ग्राम या 12 ग्राम जितना आपको चेहरे पे अप्लाई करना है उस अनुसार इसको ले लें और थोड़ी सी मात्रा में एक्टिवेटर लें। फिर इसको इतनी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसको लगाने से पहले याद रहे अपने चेहरे को साबुन से या ठंडे पानी से अपने फेस को धुल लें, धुलने के बाद सुखा लें, फिर इसको अप्लाई करें। तो अप्लाई करने से ज़्यादा आप 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पर ही रखें। उसके बाद चेहरे को बढ़िया से टिश्यू पेपर या फिर पानी से, ठंडे पानी से धुल लें। आपके चेहरे पर काफ़ी अच्छा फेयरनेस आएगा। यदि आपको ये लगाने से पहले याद रहे आप एक बार इसको टेस्ट कर लें अपने हाथों के नीचे, तो इसको लगाकर थोड़ा सा छोड़ दें, 10 मिनट बाद उसको धुल लें, फिर उसको 24 घंटे तक रहने दें। यदि किसी प्रकार की समस्या होती है, जलन होते हैं या फिर दाने निकलते हैं या फिर लालपन आता है, तो आप इसको ना अप्लाई, अपने चेहरे पर अप्लाई ना करें। याद रहे ये लगाने के बाद थोड़ी सी जलन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा अगर जो आपके चेहरे पर जलन होती है या लालिमा आती है तो उसको तुरंत आप हटा दीजिए। आप इस नेचर एसेंस ब्लीच को बिल्कुल भी ना लगाएं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।